ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। भागलपुर में एक बार फिर से भू माफियाओं का कारनामा सामने आया है। दरअसल भू माफिया ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी करा ली है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया गुवारी डी टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था, जिससे टीले को दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है। इसके बाद भागलपुर के ऊपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में यह मामला प्रशासन ने दर्ज कराया, जिसमें जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा जिस पर नदी बह रही है, वह हिस्सा किसी ने अपने नाम से करा लिया है। इसे देखकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हैरान रह गए। आपने अब तक भूमाफियाओं के जालसाजी की अलग अलग खबरें सुनी होगी, लेकिन बंटी और बबली फिल्म के तर्ज पर भागलपुर के भू माफियाओं के द्वारा किया गया यह काम इन दिनों सुर्खियों में है। बारीडी में जो जिस प्लेस में पुरातत्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस जमीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो जमीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही जमीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारी जी के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा ली गई है। कुल जमीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई। उक्त जमाबंदी के सुनवाई के दौरान ही यह पता चला कि उसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल और जमीन है, जो कि किस्म नदी है और बिहार सरकार की है। उस जमीन की भी जमाबंदी रैयतों द्वारा कायम करा ली गई। तो उसी आदेश में अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि इस 1 एकड़ 20 डिसमिल का भी प्रस्ताव आप भेजें, तथा वो पूरे मौजा का और साथ ही साथ संपूर्ण अंचल का, ऐसे सारे भूमियों का जो सरकारी भूमि है और गलत ढंग से लोगों ने जमाबंदी कायम करा ली है, उसका 2 माह के भीतर आप प्रस्ताव भेजें, और ये जो मौजा है ग्वारी जी, इसका अविलंब जो है सो भेजें। तो अंचल अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके द्वारा जांच कर ली गई है और उसमें 2 एकड़ और ज़मीन पाया गया है जो अवैध रूप से उसकी जमाबंदी चल रही है। तो वो प्रस्ताव आ जाता है 1-2 दिन में, तो फिर उसकी सुनवाई करके उसको भी जो विहित समय सीमा है 60 दिनों का, तो उसके भीतर हम लोग इसको डिस्पोजल करते हैं। जिले में भी ऐसा कुछ चलाया गया है? जिले में अभी हम लोगों ने एक खास करके जो है सो ये लिया है संज्ञान, जो जितने भी अंचल हैं उन अंचलों को कहा गया है कि वैसे ज़मीन जो कि नदी नाला पाइन आहार जो जल निकाय की ज़मीन है, तो वो तो चिन्हित है, उसकी सूची पहले से भी बनी हुई है, उसको छोड़ के अन्य जो ज़मीन है जो इंक्रोच किया जाता है जनरली, अब रास्ते की ज़मीन है या भीटवन है या परती कदीम है, तो ऐसे ज़मीनों की सूची आप बनाएं, और सूची के साथ साथ यदि कोई बासिन परिवार सब भी बचे हुए रह गए हैं तो उनकी भी आप सूची बनाएं। तो वो सूची बन रही है सभी अंचलों में, और उन लोगों की एक बैठक
15 तारीख को, इसी 15 को हमने बुलाया है, तो उसमें वो रिपोर्ट भी लाएंगे और जो जो रिपोर्ट आते जाएगा तो उसको संकलित करके फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई की जानी है, क्योंकि उन सब ज़मीनों का जो है सो विभिन्न विभागों से भी हम लोग से ज़मीन की मांग होते रही है, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे तो विभाग को जो है सो हम लोग कहाँ कहाँ ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं।